गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके में एक युवक की बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम पुष्पेंद्र भाटी है जो कि संदे नगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुष्पेंद्र पर कुछ दिन पहले मेरठ में टक्कर मारकर हत्या करने की कोशिश की गई थी, जबकि 30 जनवरी को भी घर के नजदीक पुष्पेंद्र पर गोली चलाई गई थी जो कि उसके पीठ पर लगी थी, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर अब गाजियाबाद पुलिस पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सवाल ये है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, जब शिकायत पहले ही युवक ने कर दी थी, जब पहले भी युवक पर हमला हुआ था तो क्यों कार्रवाई नहीं की गई थी और क्यों बदमाशों को नहीं पकड़ा गया था, और इसी वजह से जो बदमाशों के हौसले हैं वो बुलंद हो गए और सरेराह युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें आपको कि पहले भी युवक पर हमले हो चुके हैं, जब मेरठ में एक बार टक्कर मारकर उसे मारने की कोशिश की गई तो उसके घर के बाहर भी उसे गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब वो बच गया और शिकायत भी पुलिस में की गई, लेकिन पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं की और अब बदमाशों ने सरेराह गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया है। तो बता दें आपको कि इससे पहले भी युवक पर हमला हो चुका है, 30 जनवरी को भी इस पर हमला हुआ था, इससे पहले मेरठ में भी टक्कर मारकर मारने की कोशिश बदमाशों ने की थी, शिकायत पुलिस में की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने नहीं सुना, जिसके बाद युवक की हत्या कर दी गई। बता दें आपको गाजियाबाद के कविनगर में युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायर उन्होंने किया है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, उसी के कारण का जानकारी ली जा रही है, परिवार से रंजिश वगैरह के बारे में जानकारी ली जा रही है, लेकिन उनके द्वारा इस मामले में अभी तक कोई भी जानकारी ना होना बताया गया है। उधर फतेहपुर के गाजीपुर थाना इलाके के मोहम्मदपुर गांव में शराबी भाई ने मां और बहन को गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में फतेहपुर जिला अस्पताल भेजा, जहां से दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया है। लोगों की माने तो आरोपी ब्रजेश अक्सर अपनी मां और बहन से शराब के नशे में झगड़ा करता था। बीती रात भी झगड़े के बाद जब आरोपी ब्रजेश अपनी मां को मारने लगा तो बहन ने इसका विरोध किया, जिस पर ब्रजेश ने गोली मारकर दोनों को घायल कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने पहले देखा तो वो खून वून से रंगी थी, जब वहां आए हम अंदर तो लड़की चिल्ला रही थी उनकी बहन, हाँ। और बस भी हम लोग कहाँ गोली लगी थी, गोली उसके यहाँ पे लगी थी। अच्छा, और रही कि पहले फरुआ उठाया, फरुआ से फिर मैं रोक लिया है, फिर तमंचा से मार दिया है उसके लिए। ये नशेड़ी टाइप का है, दारू ज़्यादा पीता था और झगड़ा करता था, बीती रात में जो है अपनी माँ को इसने गोली मार दिया और सर में गोली लगी है, हेलेट में इसका अस्पताल चल रहा है, स्थिति ठीक है, और अभियुक्त की जो है अनिल पाल की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं लखनऊ को आज डबल डेकर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, आज से दिल्ली लखनऊ डबल डेकर ट्रेन चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल से आज डबल डेकर ट्रेन को रवाना किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आज हरी झंडी दिखाकर डबल डेकर ट्रेन को रवाना करेंगे। बता दें आपको इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिसमें 1200 यात्री यात्रा कर सकेंगे। दोपहर 2 बजे लखनऊ के लिए इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो आज लखनऊ को डबल डेकर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, जिसका इंतजार लखनऊ वासियों को काफी दिनों से था। आज आनंद विहार टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा इसे रवाना करेंगे। बता दें आपको कि 10 डिब्बों वाली इस ट्रेन में 1200 यात्री यात्रा कर सकते हैं। और वहीं नेपाल भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सीएम अखिलेश यादव आगे आए और भूकंप पीड़ितों को यूपी सरकार ने तुरंत सहायता भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम ने बड़ी पहल करते हुए कई ट्रक राहत सामग्री भेजने के निर्देश दिए हैं। राहत सामग्री लेकर आज सारे ट्रक नेपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम के निर्देश के बाद हेल्पलाइन नंबर भी शुरू कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 0522491573। तो वही फैक्स नंबर है 4915723। बता दें आपको कि हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0522491573 फैक्स नंबर है 4915723। बता दें आपको ये जो हेल्पलाइन नंबर है 24 घंटे काम करेगा। तो बड़ी पहल करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने नेपाल को भी मदद पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं और राहत और जो सामग्री है, राहत सामग्री है वो
अब नेपाल के लिए भेजी जाएगी। आज जो ट्रक है वो रवाना हो जाएंगे नेपाल के लिए। तो बड़ी पहल सीएम अखिलेश यादव ने की है। नेपाल में जो तबाही भूकंप से मची है उसके लिए राहत भेजने के लिए सीएम अखिलेश यादव ने निर्देश दिए हैं। उधर भूकंप से यूपी बिहार में भारी तबाही हुई है। यूपी में भूकंप से 16 लोगों के मरने की खबर है। बाराबंकी में 3 लोगों की मौत की खबर है, तो गोरखपुर में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कानपुर में 2 लोगों की मरने की खबर है, तो नोएडा में भी 2 लोगों की मौत हो गई है। कुशीनगर में 2 लोगों की मौत हुई, तो श्रावस्ती, बदायूं, फतेहपुर और संत कबीर नगर में भी 1-1 लोगों की मौत हो गई है। तो बता दें आपको कि भूकंप से पूरा उत्तर भारत दहल उठा। भूकंप ने तबाही का मंजर फैला दिया। बता दें आपको कि 2 झटके महसूस किए गए भूकंप के, और भूकंप के दोनों झटके इतने ज्यादा तगड़े थे कि तबाही भूकंप ने मचाई। बता दें आपको यूपी में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी समेत बिहार में भी भारी तबाही इस भूकंप ने मचाई है। बता दें आपको कई इमारतें गिरी हैं, मकानों की छत भी गिरी है, दीवार भी गिरी है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। बता दें आपको कि मौत जो है 16 मौतें हो चुकी हैं यूपी में भूकंप की वजह से, क्योंकि भूकंप के जो झटके थे दोनों ही वो काफी तेज थे, जिस वजह से ये हादसे हुए हैं। तो मौत जो है, बता दें आपको कि 16 लोगों की मौत हुई है यूपी में, तो बिहार में 25 लोगों की मौत हो चुकी है इस भूकंप की वजह से, क्योंकि भूकंप के झटके बहुत तेज थे और भूकंप के झटकों के बाद जो इमारतें थी वो ढह गई और जो दीवार थी वो गिर गई, जिस वजह से लोगों के दबने से मौत हो चुकी है। अब तक अगर बात करें तो यूपी में 16 मौत हुई है, बिहार में 25 मौत हुई है भूकंप की वजह से। उधर भूकंप की मात मची तबाही के बाद सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। भूकंप में मरने वाले परिजनों को 7 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम ने मुआवजे की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की है। वे मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता तुरंत मुहैया कराए जाने के आदेश दिए हैं और घायलों को भी 20,000 देने का ऐलान सीएम अखिलेश यादव ने किया है। तो भूकंप के बाद सीएम अखिलेश यादव ने बड़े ऐलान किए हैं। जहां एक तरफ मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो वहीं खुद जाकर उन क्षेत्रों का जायजा भी सीएम अखिलेश यादव लेंगे, ये भी उन्होंने ऐलान किया है। तो बता दें आपको घोषणा कर दी गई है मुआवजे की, जो मृतक है उनको तुरंत 2 लाख की सहायता मुहैया कराई जाएगी, तो वहीं जो लोग घायल है उन्हें भी 20,000 रुपए की सहायता मुहैया कराई जाएगी और मृतकों को 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो बता दें आपको बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि भूकंप से तबाही यूपी में भी मची है। उधर नेपाल में भूकंप की तबाही से निपटने के लिए सेना तैयार है। आर्मी, वायुसेना और बीआरओ को तैनात रहने के आदेश दे दिए गए हैं। रक्षा मंत्री ने यह निर्देश जारी किया है। पीएम ने भी नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, जिसके लिए C-130J हरकुलिस विमान नेपाल पहुंच चुका है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से ये रवाना किया गया है। बता दें आपको कि एनडीआरएफ की 10 टीमें भी पहुंच चुकी हैं नेपाल। एनडीआरएफ की 10 टीमें नेपाल पहुंच चुकी हैं, जहां पर राहत पहुंचाने के लिए हर संभव मदद की जा रही है भारत की तरफ से। बता दें आपको कि जो भूकंप शनिवार को आया, भारी तबाही उसने नेपाल में मचाई है। बता दें आपको कि नेपाल में जो बिल्डिंग है बड़ी बड़ी वो भी गिर चुकी है, इमारतें गिरने की खबर है, जिसके बाद तबाही का मंजर है वो नेपाल में फैल चुका है। और इसीलिए पीएम मोदी ने भी फैसला लिया है कि नेपाल को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। 10 एनडीआरएफ की टीम भेज दी गई है। हरकुलिस विमान भी पहुंच चुका है राहत सामग्री के साथ नेपाल। हमारी यूनिट से 6 टीमें जा रही हैं, हमारी एनडीआरएफ की 8 बटालियन से 6 टीमें जा रही हैं, और इन 6 में से एक टीम ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है अबाउट 50 लोगों की, जिसमें 2 कुत्ते भी गए हैं और सारे सर्च और रेस्क्यू इक्विपमेंट उसमें गए हुए हैं। उसके साथ बाकी 5 टीमें अभी यहाँ पे तैयार हैं, जो कि जहाज में लोड होने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले सर्च की जरूरत पड़ती है, उसके बाद रेस्क्यू करने के लिए, और उसके बाद फिर दवाइयों की। तो सारे हम सारी चीजें लेके जा रहे हैं, सारे इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, दवाइयां लेके जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं हमारे पास, पैरामेडिक जा रहे हैं। शनिवार को आए भूकंप के झटके वाराणसी में भी महसूस किए गए, जिससे घरों में बैठे लोग डरकर बाहर निकल आए। घरों से बाहर निकले लोग मुसीबत को टालने के लिए अल्लाह से मुसीबत टलने की दुआ मांगते नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर भूकंप में नेपाल में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दशाश्वमेध घाट पर दीपदान किया गया और माँ गंगा की आरती कर प्रार्थना की गई। और वही गोरखपुर में भूकंप के झटके से 3 लोगों की मौत हो गई। गुरलीला इलाके में बठहट में राजकुमार नाम के लड़के की मौत हो गई। गुलरिहा के ही डुमरी जंगल में बासमती नाम की महिला की मौत हो गई। भूकंप से गोरखपुर में तीसरी मौत गघा इलाके के नरे गांव में हुई। बेल के पेड़ पर बेल तोड़ने चढ़े अंगद मौर्य की भूकंप के झटके से मौत हो गई। साथ ही शहर के कई जगहों पर कई इमारतों में दरारें आ गई।
इसमें दो लोगों की मृत्यु रिपोर्टेड है, उन लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर दी गई है जो अनुमन्य आर्थिक सहायता है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, और जो NDRF की गाइडलाइंस है दोनों के अनुरूप उनको सहायता दे दी गई है। 5 लोग तहसील सहजनवा में घायल हैं, उनको भी आर्थिक सहायता नियमानुसार दी गई है। 3 तहसील खजनी में हैं और इस प्रकार 8 लोग हैं, और तीसरे की अभी एक सूचना प्राप्त हुई है बास गांव के मृतक होने की, लेकिन उसके भी पुष्टि नहीं है, उसकी जांच कराई जा रही है। उधर बाराबंकी में शनिवार का दिन मौत का दिन साबित हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ कैसी आपदा पेश आने वाली है। अचानक आए भूकंप ने नेपाल के साथ भारत को भी हिलाकर रख दिया। बाराबंकी में भी भूकंप तबाही लेकर आया। थाना मोहम्मदपुर खला इलाके के बसंतपुर गांव में तबाही का ये मंजर बेहद खौफनाक था। मकान का छज्जा गिरने से कई लोग उसके नीचे दब गए, जिसमें 2 बच्चे और 1 महिला की मौत हो गई और करीब 10 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है। सभी एक शादी में शामिल होने आए थे, लेकिन भूकंप ने खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। हादसे के तुरंत बाद इलाके के अधिकारी मौके पर पहुंचे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में भूकंप का कहर देखने को मिला। तो आगरा, कानपुर, कन्नौज, फैजाबाद, सीतापुर, देवरिया, फिरोजाबाद, कुशीनगर, चंदौली, मऊ, ये सभी वो जगह हैं जहां पर भूकंप का कहर देखने को मिला। जहां भूकंप की जो झटके हैं, तेज झटके हैं, उन्हें महसूस किया गया और लोग खौफजदा हो गए, दहशत में आ गए, अपने घरों से, अपने दफ्तरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए। तो बता दें आपको कि यूपी में भी कहर बरपाया है। नेपाल में तो भारी तबाही मचाई है, इसके साथ साथ यूपी के भी अलग अलग जगहों पर कहर देखने को मिला है। ये और 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं यूपी की ही, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, सोनभद्र, भदोही, इटावा, ये सभी वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि यूपी में भी तबाही का मंजर कम नहीं है। भूकंप ने तबाही यूपी में भी मचाई है। 16 मौतें यूपी में हो चुकी हैं भूकंप की वजह से, क्योंकि भूकंप के तेज झटके यूपी में भी महसूस किए गए थे। उधर कुशीनगर में आए भूकंप ने कई मकानों को जमींदोज कर दिया। पटवाना के सबसे व्यस्तम इलाके के तिलक चौक में भूकंप आने से एक मकान में दरार पड़ गई, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मकान को गिराने का फैसला किया, जिसको लेकर पहले प्रशासन ने आसपास की जगह को खाली कराना शुरू किया, लेकिन इस बीच कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक दुकानदार ने पुलिसकर्मी को अधिकारियों के सामने चांटा झड़ दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि बाद में लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों ने बीच बचाव कर लोगों को शांत कराया। कासगंज के सीमावर्ती इलाके में गंगा में नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। जनपद बदायूं के थाना सहसवान के गांव नगला बरन में रहने वाले 16 लोग गांव में सवार होकर गेहूं फसल काटने जा रहे थे, तभी गंगा में नाव डूब गई। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। 7 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। नाव में महिला बच्चे समेत भी बच्चे भी सवार थे, लेकिन घटना के 4 घंटे बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। लगभग 10 लोग हैं, जिसमें 4 लोग मौके पे डेड बॉडी मिल चुकी है और बाकी जो है लापता है। कितने लोग लापता होंगे? लगभग 5 के लगभग लापता है। उधर गेहूं काटने जा रहे थे, पल्ली गंगा जी की पल्ली पार इनकी गेहूं की फसल होती है, तो गेहूं सारे लोग गेहूं काटने जा रहे थे। और बुलंदशहर के खुर्जा में डी फार्मा की परीक्षा में जमकर सामूहिक नकल हुई। शिवम टेक्निकल कॉलेज में हुई परीक्षा में छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षकों ने खुल बोल बोल कर सभी को नकल कराई। 3 अलग अलग परीक्षा कक्षों में पर्चियों से नकल कराई गई। एक सीट पर कई छात्र जमा हो गए और नकल चलती रही। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि डी फार्मा करने वाले इन छात्रों का भविष्य क्या होगा। इस कॉलेज में बुलंदशहर के विला कॉलेज ऑफ फार्मेसी और अलीगढ़ के ABRS कॉलेज के छात्र परीक्षा दे रहे हैं। तो परीक्षा में परीक्षार्थियों को जमकर नकल कराई गई। बता दें आपको कि भविष्य अब क्या होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। डी फार्मा का परीक्षा ये छात्र दे रहे थे और इस बीच खुद जो अध्यापक है उन्होंने बोल बोलकर छात्रों को नकल कराई, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना अंधेरे में है छात्रों का भविष्य और कितना खिलवाड़ किया जा रहा है छात्रों के भविष्य के साथ। इतना ही नहीं, पर्चियों से भी नकल कराई गई छात्रों को। नकल का इस तरह का तरीका क्यों नहीं है कि, और पॉलिटेक्निक की परीक्षा इतनी कोई हार्ड होती नहीं है और बच्चों को इतना खुद ही स्टडी करा दी जाती है कि स्वाभाविक रूप से वो पास हो जाए, तो नकल का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं, मेरे यहाँ
आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डी फार्मा दोनों की परीक्षाएं चल रही हैं। और वही राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर सी में सचिवालय कॉलोनी के पास बीते दिनों खुदाई में एक कुआ है। इस पर लोगों का कहना है कि उक्त जमीन तालाब की है, जिस पर एक डॉक्टर निर्माण कार्य करवा रहा है। लोगों के हस्तक्षेप के बाद खुदाई का काम तो रोक दिया गया, लेकिन प्रशासन ने दौरा करना उचित नहीं समझा, जिसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया। आक्रोशित लोगों ने कुआं निकालने के मसले को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि 18 अप्रैल को खुदाई में यह धातु के दो कड़े भी निकले थे, जो डंपर चालक लेकर भाग गया। लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर काम हो रहा है वो तालाब की जमीन है। लोगों के बवाल की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने खुदाई में कुआं, तहखाना, दरवाजे, खिड़की समेत अन्य सामान मिलते देख खुदाई पर रोक लगा दी, साथ ही जांच की बात कही। उधर आगरा में सदर थाना क्षेत्र के सेवाला में हत्याकांड के गवाह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक्टिवा सवार तीन बदमाश चलहा पहल वाले इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गवाह पोपी उर्फ पॉप सिंह की मौत हो गई। दरअसल 2013 में प्रधान सतीश के हत्याकांड का मृतक पोपी उर्फ पॉप सिंह गवाह था। वहीं मामले में 2 मई को गवाही होनी थी। मृतक की पत्नी ने बताया कि पॉप सिंह को गवाही ना देने की लगातार धमकी मिल रही थी। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से सतीश प्रधान और बंटी यादव के बीच रंजिश चल रही है, जिसमें अब तक कई हत्याएं हो चुकी हैं। ये रंजिशन हत्या है और ये भी पता चला है कि उनकी गवाही है अभी आने वाले कुछ समय में। तो इसमें जो है हमारे पास इसके पहले खबर भी नहीं थी कि ऐसी कोई बात है करके, लेकिन अगर कोई होगी तो इसके बारे में हम जांच करेंगे, उसमें कार्रवाई भी करेंगे। उधर मैनपुरी में पुलिस का संवेदनहीन चेहरा देखने को मिला। सड़क हादसे में मौत होने पर 6 साल की बच्ची का शव पुलिस पोस्टमार्टम कराने ले गई, लेकिन पोस्टमार्टम कराने की बजाय पोस्टमार्टम घर के बाहर ही शव को अखबार में लपेटकर फेंक दिया। पहले तो मैनपुरी की पुलिस हादसे की सूचना के बावजूद देर से पहुंची, और जब मौके पर पहुंची तो पोस्टमार्टम कराने की बजाय शव को पोस्टमार्टम घर के बाहर फेंक दिया। मृतक बच्ची किसी काम से दुकान पर जा रही थी, तभी ट्रक की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। बच्ची के परिजन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मैनपुरी में रहकर मजदूरी करते हैं। हमारी लड़की का एक्सीडेंट हुआ 9 बजे। हाँ। 9 बजे हुआ तो जैसे यहाँ पुलिस ले आई, पुलिस ले आई तो बाहर पटक दी हमारी लड़की, बाहर धूप में लगी तो ताला नहीं खुला। और गाजियाबाद में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनकर अवैध वसूली करने वाले धरे गए हैं। ये लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से अवैध वसूली करते हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक युवक दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल का बेटा है, और उसी की वर्दी पहनकर ये वसूली करता था। आरोपी युवक सीए का छात्र है, अपने महंगे शौक के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर वसूली किया करता था। आरोपी युवक के पिता रामलाल दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस में तैनात है, जिसकी सरकारी बाइक के साथ वर्दी और वायरलेस लेकर वसूली की जाती थी। पुलिस ने युवकों से दिल्ली पुलिस की सरकारी बाइक, वर्दी और वायरलेस बरामद किया है। पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया लोको सेट स्टेशन के पास वाले तिराहे से विजयनगर में। एक लड़के का नाम निखिल है, जिसके पिताजी रामपाल हैं। रामलाल दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विंग में कार्यरत हैं, हेड कांस्टेबल हैं, जिनकी वर्दी धारण करके वो उनकी सरकारी मोटरसाइकिल लेकर के, सरकारी हैंडसेट लेकर के ये कृत्य करता हुआ पाया गया, जिसको समुचित धाराओं में उसके साथियों समेत पकड़ करके बंद किया गया। फतेहपुर में पिछले दिनों ताबड़तोड़ वारदातों को लेकर डीआईजी भगवान स्वरूप श्रीवास्तव ने शनिवार को अधिकारियों, थानेदारों और सीओ की जमकर क्लास लगाई, और बीते दिनों हुई वारदातों का जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कही। साथ ही पिछले काफी समय से लंबित चल रही विवेचनाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा कि आईजी के दिशा निर्देश पर सभी जिलों के कप्तानों को ये कहा गया है कि वो थानों में जाकर देखें कि लंबित विवेचनाओं की मौजूदा हालत क्या है। हम लोगों के द्वारा भी की जाएगी, और डीजी साहब का एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जो अजली रूम जो है सभी क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक जो है ये जाके सबके मुख्यालयों पर अजली रूम करेंगे, और लंबित व्यवस्थाएँ जो हमारी हैं उनका जो है निराकरण। उधर लखनऊ में आयोजित बैसाखी मेले में आयोजित कार्यक्रम में मशहूर सिंगर शंकर साहनी ने अपने गानों से समा बांधा, जिससे महफिल में मौजूद लोग झूमने पर मजबूर हो गए। इस दौरान शंकर साहनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव प्रताप सिंह ने।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने सिंगर शंकर साहनी जी, जिनकी धुनों की दीवानी पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों के वो हजारों लोग हैं जो शंकर साहनी जी को सुनने के लिए हर वक्त बेताब नजर आते हैं। ऐसे में एक बार फिर नवाबों के शहर लखनऊ में शंकर साहनी जी पहुंचे हैं और यहाँ की जनता को अपनी धुनों पर नचाने के लिए, ऐसे में लखनऊ के बारे में उनका क्या विचार है जानने के लिए बात करते हैं। लखनऊ आकर कैसा लग रहा है? मैं जब भी आता हूं लखनऊ में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे जो प्यार मिलता है यहां पर, और मैं चाहता हूं कि बार बार यहां पर मुझे यहां की पावन धरती बुलाती रहे। आपने लगातार देश विदेशों में कई प्रोग्राम किए हैं, वहां की जनता को एक से एक अच्छे आपने गाने से सुनाए हैं, लखनऊ के लिए क्या प्लान किया? एक्चुअली मैं जब भी शो करता हूँ प्लान नहीं करता, जैसी ऑडियंस होती है वैसे गाने गाने लग पड़ता हूँ। आपकी कई फिल्में आई हैं, कई एल्बम्स हैं, ऐसे में आगे के क्या प्लान हैं? अब जल्दी एक मेरी एल्बम आई थी आशा भोसले जी के साथ, आप देखना उसमें उस गाने के हम रीलॉन्च कर रहे हैं पूरे अमेरिका और कनाडा इंग्लैंड में, और अगले हफ्ते वो गाना दिल नादान के नाम से मेरी और आशा जी की एल्बम आ रही है। आपने सुना कि शंकर साहनी जी ने अभी कई फिल्में बनाई हैं और कई एल्बम्स भी बनाए हैं, और इसी क्रम में शंकर साहनी जी का एक और एक्सक्लूसिव एल्बम आने वाला है जो जिससे न सिर्फ देश को बल्कि विदेशों के लोगों को भी शंकर साहनी जी के एक से एक नगमे सुनने को मिलेंगे, गाने सुनने को मिलेंगे। कैमरामैन अश्वनी सिंह के साथ राजीव प्रताप सिंह, समाचार प्लस लखनऊ। और बात आज की गुड न्यूज की करते हैं। कहते हैं अगर किसी में हौसला और जज्बा हो तो वो अपनी मंजिल जरूर हासिल करता है, सुविधाएं कितनी है इसकी फिक्र उसे नहीं रहती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है वाराणसी के कुछ होनहार बच्चों ने, देखिए इन होनहारों की कहानी आज की गुड न्यूज में। विक्ट्री साइन के साथ हाथों में मेडल पकड़े ये बच्चे हो सकता है भविष्य में माइकल फिलिप्स का भारतीय वर्जन बने, क्योंकि जब इस उम्र में ही ये प्रदेश का नाम रोशन करने की काबिलियत रखते हों तो आने वाले कुछ सालों में अगर देश का नाम भी रोशन कर दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के इन तैराकी चैंपियनों ने पुणे में हुई नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में गोल्ड और कांस्य पदक जीते हैं, जबकि बात अगर सुविधाओं की जाए तो सुविधाओं के नाम पर इन होनहारों को कुछ नहीं मिला। ये नेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट था इसमें बच्चे पुणे गए थे और ये पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज कराया था, यहाँ से टोटल 12 बच्चे गए थे। बनारस के बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी था, वो प्रॉपर वे में उन्होंने बच्चों को बूस्टअप भी नहीं किया और ब्रेन वाइज भी बच्चों को नहीं छोड़ा, जिससे काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही थी और उनको प्रॉपर रूट का भी पता नहीं था। तो अगर ये मैनेजमेंट जो है कि अगर रूट प्रॉपर बताते तो हमारे बच्चे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। पुणे में हुई इस तरह की प्रतियोगिता में देश भर से कुल 22 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा पदक वाराणसी की टीम ने ही जीते, जिससे ये साबित हो जाता है कि देश में हुनर की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो बस हुनर को सही से तराशने वालों की। निकिता श्रीवास्तव के साथ प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।